हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये वेरीगेटेड रबर प्लांट है। रबर प्लांट बहुत ही टफ प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है, और इंडोर प्लांट में रबर प्लांट का नाम सबसे पहले आता है। तो ये तो आपको वेरीगेटेड दिखा रही हूँ, इसके साथ ही इसमें से डार्क कलर लीव्स का भी होता है और एक रेड कलर की लीव्स का भी होता है। मैंने इसको ख़रीदा था 150 रुपये में, 150 में, समझिए 8-9 महीने पहले। और ये काफ़ी छोटा था, लिया सिर्फ इस खूबी के कारण था क्योंकि मैंने इसको जो ख़रीदा है इसके 4-5 ब्रांचेस निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ब्रांचेस के कारण ख़रीदा था कि ये घना हो जाएगा जल्दी। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वो डार्क कलर का लगाया था कटिंग से, वो लग गया, वो मेरी डॉटर ले गई, घना वो भी काफ़ी हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन अब मेरे को तो चाहिए ही था तो मैंने वेरीगेटेड दे दिया कि चलो अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, समर से स्टार्ट हो गई हैं और समर्स जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इन सब के ग्रोइंग टाइम है। अभी इनका स्लीपिंग टाइम था, है ना, तो इनकी बढ़वार लगभग रुकी हुई थी। तो अब स्प्रिंग में इनकी भी आप देखिए नई आ रही है ना कोपलें, है ना, तो जो पुरानी थी जो निकली हैं ये तो छोटी हैं, लेकिन अब बड़ी पत्तियाँ आएंगी। और घना कैसे कर सकते हैं वो आगे भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको घना कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, मैंने इसको खुले में रखा हुआ है, यहाँ देखिए आप खुले आसमान के नीचे, लेकिन ये दो वॉल्स के कोने में रखा है तो इसके ऊपर धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और आपको रूम में रख रहे हैं तो भी इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कि इसको वेल एरिएटेड जगह पे, जहाँ पे हवा आसपास से निकलती हो और खिड़की के पास हो या डोर के पास हो, जहाँ से इसको जो सनलाइट है नेचुरल सनलाइट वो भी से छन के थोड़ी मिल जाए, ठीक है ना। कमरे में तो वैसे भी डायरेक्ट तो पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑफिस प्लांट भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात बता दूँ यहाँ सबसे पहले ज़रूरी कि सब लोग इंडोर प्लांट करते हैं, लेकिन कोई भी प्लांट टोटली इंडोर नहीं होता। सब सारे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है और उनको 15 दिन में, 20 दिन में, या किसी को जो ज़्यादा टफ प्लांट है जैसे ये है एरिका पाम है, 1 महीने के बाद आपको बाहर निकाल के लाना पड़ता है। वहाँ भी आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे सभी प्लांट्स को। तो जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये स्प्रिंग टाइम है, इस टाइम में जैसे ये मेरा पुराना प्लांट है तो इसमें गुड़ाई करके मैं थोड़ी इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दूंगी, क्योंकि ये इनको ये जो इंडोर प्लांट्स हैं क्रोटन वगैरह ये हुए तो इन सब में साल में 2 ही बार खाद दी जाती है, तो अभी फरवरी में या फिर सेप्टेम्बर में। तो अभी फरवरी में मैं इसे दे रही हूँ, तो अभी मैं इसको दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, है ना। आप देखिए ये 12-14 इंच का पॉट है मेरा मिट्टी का और इसमें इतनी दे रही हूँ, समझिए 1 कप के लगभग है ये। आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, है ना, और जिनके प्लांट्स पुराने लगे हुए हैं वो चाहें तो इस टाइम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और वेल्डन सॉइल में रिपोर्टिंग करनी है खाद डाल के और मिलाना इसको। तो वेल्डन सॉइल बनानी है 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट गार्डन कम्पोस्ट, उसकी गार्डन सॉइल और 1 पार्ट कम्पोस्ट, ठीक है। खाद डाल के पानी ज़रूर डालना है सबने, ठीक है। एज सच ये काफ़ी टफ प्लांट है, इस पर कीड़े वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन रेगुलर नीम और नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे आप सभी प्लांट्स पे करते हैं तो कीड़े लगते नहीं हैं। मेरे प्लांट्स में किसी में कीड़े हैं नहीं अभी तक, ठीक है। तो आगे अब ये हो गई इसकी बात खाद देने की और रिपोर्टिंग करने की। अगर आपका प्लांट 1-2 साल पुराना है तो रिपोर्टिंग कर लीजिए, अगर 1 साल पुराना है तो पूरा मत रिपोर्ट कीजिए, आधे गमले की मिट्टी निकाल के और उसमें आधे गमले की मिट्टी चेंज कर लीजिए, ऐसे भी हाफ रिपोर्टिंग बोलते हैं इसको, वो भी कर सकते हैं आप। और जैसा मैंने इसको लगाया अभी, ये 5-6 महीने पहले ही लगाया इसको, तो मैंने बस इसमें ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। फ्रेंड फर्टिलाइज़र हो गया, लोकेशन मैंने आपको बता दी, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना, चाहे रूम में रखें चाहे बाहर रखते हैं, आप तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, अंदर रखेंगे तो भी जहाँ से इसको थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए छन के, खिड़की से या डोर के पास से, ठीक है। और पानी इसको आपको तभी डालना है जब इसकी आपकी टॉप साइल आपको लगे कि ये सूखने लग रही है, ड्राई जैसी हो रही है। प्लांट में नमी का पता लगाने के लिए टच फिंगर का मेथड यूज़ कीजिए, मिट्टी में उंगली टिप करके देखिए, अगर हाथ में मिट्टी लग रही है मतलब मिट्टी गमले में नमी है, पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर उंगली सूखी निकल आई है तो पानी की ज़रूरत है। ऊपर से अगर गमले की मिट्टी सूख भी रही है तो भी आपने देखा गमला काफ़ी गहरा है, नीचे तक होती है नमी, ठीक है ना। तो और इस प्लांट को कोई भी, जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, आप ज़्यादा पानी डालेंगे उनमें रूट रॉट हो जाएगा, फंगस लग जाएगी और मर जाएंगे अल्टीमेटली। तो फ्रेंड्स, तीनों चीज़ें हो गई इसकी पूरी, है ना, लोकेशन हो गई, वाटरिंग हो गई और इसकी सॉइल हो गई, और फर्टिलाइज़र भी बता दिया मैंने और पेस्ट भी बता दिया। अब इसके साथ बात करती हूँ कि घना, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा काफ़ी घना सा प्लांट है, तो मैं घना ही चाह रही थी कि अच्छा लगेगा घना घना कमरे में रखा हुआ,
तो इसके लिए आपको चाहिए कि ये जो ऊपर की आप है ना, ऊपर की दो तीन पत्तियां करके तोड़ दीजिए, तो नीचे की पत्तियों के जो नोड्स हैं इनमें से नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना हो जाएगा। ये है इसका तरीका घना करने का। एक बार जब नई ब्रांचेस निकल आए उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच रखनी है या कौन सी हटानी है। आपके शेप के अनुसार आप जो ब्रांच आपको रखनी है वो रखिए, बाकी को आप जहाँ से जॉइंट है वहीं से निकालिए उस ब्रांच को, बीच में से कट मत कीजिए, क्योंकि जहाँ से आपने कट किया है उसके नीचे फिर दो नोड होंगे, वहाँ से फिर दो ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ये बहुत टफ प्लांट है, इसको आप ज़रूर लगाइए घर में। बिगनर्स के लिए तो बढ़िया है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मरता है, इतना हार्ड टू किल प्लांट है, आसानी से नहीं मरता, तो इसको ज़रूर लगाइए। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।